छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। हमारे साथ अजय चंद्राकर जी हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अजय जी, तमाम जितने एग्जिट पोल्स थे, ओपिनियन पोल्स थे, उनको तमाम को गलत साबित कर दिया बीजेपी ने, ये कैसे सब कुछ हुआ? देखिए, एग्जिट पोल की बात मैं नहीं करता, हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल तय था। आप 17 तारीख से 3 तारीख तक का मेरा ट्वीट देखिए, कब इस्तीफा देंगे आप, घर कब खाली करेंगे, कब्जा तो नहीं कर लेंगे, ये रोज मैं लिखता था और इतने कॉन्फिडेंस से लिखता था। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को मालूम था कि कार्यकर्ता जो है, कि जो मेहनत कर रहे हैं, उनका चेहरा देख कर लगता था कि साहब अप्रत्याशित होने वाला है। कॉन्फिडेंस का रीजन जानना चाहते हैं कि इतना, मतलब तमाम उसके बावजूद आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि विश्व वंद्य नेता है माननीय मोदी जी, यदि वो जनता के सामने आके कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाऊंगा, तो उस कद का उतना विश्वसनीय नेता किसी पार्टी किसी के पास है नहीं, और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस पर भरोसा किया। बीजेपी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स थे जो फेवर में रहे, और कांग्रेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कांग्रेस की हार हुई है? एक ही फैक्टर है, वो है भूपेश बघेल जी का कुकर्म। अजय जी, एक बात जो अब बार बार उठ रही है, पार्टी चुनाव जीत गई है, मुख्यमंत्री पद को लेकर अब काफी वो है ना, सस्पेंस है, तो आपको क्या लगता है, रमन सिंह जी क्योंकि 3 बारी के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या ये ऑब्वियस लीडर होने चाहिए, ये क्या आपको क्या लगता है? ये तो तय करना ऊपर वालों का काम है साहब, मैं उस बारे में ना कह सकता ना बोल सकता ना कुछ कर सकता। ठीक, फिर भी अगर आप चाहेंगे कि बीइंग लीडर पार्टी का फ्यूचर या प्रेजेंट उसको देखते हुए आप कोई अगर ओपिनियन रखते हैं, हाई कमान के पास है साहब, आप खुद रेस में हैं? जैसे अरे साहब, मैं अनुशासित सिपाही हूं। पार्टी क्या फोकस रखेगी 5 साल में शासन में छत्तीसगढ़ के लोगों साल के में नहीं, तुरंत 1 सेकंड में छत्तीसगढ़ की जनता को स्वतंत्रता का एहसास होगा, अनुभूति होगी कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, यहाँ माफिया नहीं है, यहाँ रेत चोर नहीं है, यहाँ एक्सटेंशन करने वाले लोग नहीं है, हमारा छत्तीसगढ़ है और हम इस छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे, एक नई सुबह एक नई शुरुआत अब होगी, ये महसूस तुरंत करा देंगे हम। कांग्रेस राज के जो करप्शन है, आप लोग बड़े एलिगेशन लगाते रहे हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के कांग्रेस के ऊपर, क्या इस राज में अब जांच होगी और कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई? फिर मैं आपको अपने भाषण की याद दिला देता हूं, मैंने कहा था कि कुछ लोगों को आपने पहले जेल भेज दिया है, वो सब परिस्थिति स्थिति का अध्ययन करके वहां आप लोगों के लायक अच्छी व्यवस्था कराएंगे, और वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है तो उसको ठीक करवा लीजिए, एटलीस्ट आपको जाना वहीं है। अजय चंद्राकर थे, जो अभी डॉक्टर रमन सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उनको भी मिलके आ रहे हैं, पर सवाल वही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जवाब भी एक ही है कि केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी विधायक दल जो है वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ का। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ रायपुर।